हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों, मैं हूं विपिन यादव और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं बेलन के बारे में। बेलन से एकदम बेसिक चीज़ें बात करेंगे, ठोस बेलन और खोखला बेलन पर बात करेंगे और उससे संबंधित प्रश्न भी कराएंगे ताकि आपके किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाएँ तो आप सवाल को आसानी से बना पाएँ। एक टॉपिक लेकर आए हैं लेकिन हिला कर जाएंगे, इस वीडियो में बने रहिएगा ताकि आपके दिमाग में जो भी उलझने हैं बेलन से संबंधित, फॉर्मूला याद नहीं हो रहा है तो भी इस वीडियो को देखिएगा, बहुत ही आसानी से आज के आज ही याद हो जाएगा। तो बने रहिए इस वीडियो में, अब बढ़ते हम आगे। कि जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं, ये देखिए भैया, ये बना दिया मैंने बेलन, ठीक है ना। थोड़ा सा नीचे गड़बड़ा गया है, इसको लग रहा है कि पोलियो मार दिया। इसको मैं ठीक कर दूं, आइए चलिए। ये बेलन है अपना बेलन। अब इसमें आप समझ लीजिए कि नीचे भी वृत्त है, ऊपर भी वृत्त है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है लेकिन काम चला लीजिएगा आप। तो वृत्त की ये जो होती है ना, वृत्त की त्रिज्या होती है, क्या होती है ये वृत्त की त्रिज्या, इधर भी आ जाए तो त्रिज्या, इधर भी चल जाए तो त्रिज्या, है ना, ये वृत्त की त्रिज्या है। और अगर यहाँ से यहाँ मिला दीजिए, ये हाइट हो गया, यानी ये हाइट, ठीक ना, ये हो गया बेलन का हाइट। दोस्तों, आपको पता है कि इसका नीचे और ऊपर वाला छतरी और इसका पेंदा समाने हैं, तो ऐसी कोई भी आकृति जिसका जैसा पेंदा हो वैसा ही छतरी हो, उसके आयतन के लिए आयतन का फॉर्मूला आधार का क्षेत्रफल, सुनिए, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। ऐसा कोई भी आकृति आपको मिल जाए ना तो ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई कर सकते हैं। हमें यह दिमाग में रखना है कि हम भूल जो जाते हैं ना उसको कैसे याद रखें। आइए हम आपको टेक्निक बताते हैं। इसका आधार कैसा है एक बात बताइए, तो आधार एक वृत्त का है, तो नीचे तो वृत्त है, तब वृत्त का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, और ऊंचाई, ऊंचाई इसकी क्या है, एच है, तो बस हो गया पाई आर स्क्वायर एच। ये हो गया इसका आयतन, किसका आयतन, बेलन का आयतन। और अभी हम ठोस बेलन का चर्चा कर रहे हैं, इस बात को याद रखिएगा, अभी हम बात कर रहे हैं ठोस बेलन का, ये होल नहीं है, खोखला नहीं है, ठोस बेलन का चर्चा हो रहा है आपके सामने। अभी हम खोखला बेलन का भी फॉर्मूला याद कराएंगे, आपको एकदम याद हो जाएगा। तो आपको पता चल गया, आयतन के लिए आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, था आधार हो गया पाई आर स्क्वायर यानी वृत्त, और ऊंचाई है एच, पाई आर स्क्वायर एच। अब आप कहेंगे कि सर इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी तो होता है। हाँ देखिए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, नीचे वाले पेंदा छतरी को छोड़ के जितना भी चारों तरफ से बच गया ना वो सब हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। जैसे इस मार्कर के चारों तरफ आप घूम जाइए, पेंदा और छतरी छोड़ के, वो सारे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है ये वाला, ठीक ना। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हो जाएगा ना बेलन का, इसको निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, ये जो बेलन नीचे, सॉरी नीचे जो इसका परिधि है, एक वृत्त है, परिधि कितना दूर तक घुमा हुआ है, परिधि और ऊंचाई गुना कर दीजिए। अच्छा, परिधि का फॉर्मूला क्या होता है वृत्त में, आपको पता है, परिधि 2 पाई आर होता है, एच से गुना कर दीजिए, लीजिए 2 पाई आर एच हो गया, ये हो जाता है आपके बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बात करते हैं हम बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पर। दोस्तों, अगर इसकी संपूर्ण संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होगा, यह वक्र वाला जो साइड से था ना, यह पूरा पेंदा छतरी छोड़ के जो था वो तो सब था, अब इस बार छतरी या पेंदा दोनों जुड़ जाएगा, यह ऊपर वाला छतरी या पेंदा भी जुड़ जाएगा वही पहले वाला में, यानी 2 पाई आर एच में जुड़ जाएगा। 2 पाई आर एच में क्या जुड़ जाएगा जानते हैं, यह वृत्त एक नीचे है ना, नीचे नीचे जो इसका है, नीचे पेंदा वो क्या है पाई आर स्क्वायर, ऐसा ही ऊपर छतरी भी इसका पाई आर स्क्वायर, यानी ये दो वृत्त है, एक नीचे एक ऊपर, दो वृत्त है, तो ये भी इंक्लूड हो जाएगा। अब आपका 2 पाई आर एच, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल,
और पेंदा छतरी दूगो पाई आर स्क्वायर इसमें ऐड हो गया, अब ये हो गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आपको पता है टू पाई आर, टू पाई आर इसमें से कॉमन ले सकते, आर गुने आर है, दो बार आर है, तो जब टू पाई आर कॉमन ले लोगे तो देखो इसमें एच बच जाएगा, टू पाई तो आ ही क्या है, इसमें दो आर है, आर गुना आर है, तो एक आर आया है, एक आर बचा, ये हो जाता है हमारा क्या पता है आपको, ये हो जाता है बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल टू पाई आर इंटू एच प्लस आर, इसीलिए किताब में ऐसे ही लिखा हुआ रहता है, आप इसको याद करते हैं। बात आ गया होगा समझ में। तो सिंपल बात है कि कोई भी ऐसी फिगर है जिसका पेंदा छतरी समान है तो आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई कर दो, उसकी आयतन हो गया। अब इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो परिधि कितना दूर तक घुमा हुआ है, परिधि ऊंचाई से गुना कर दो, परिधि हमारा 2πr, 2πr और एच से गुना कर दिया, तो ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। आपका संपूर्ण पृष्ठीय, संपूर्ण माने कुछ छूटना ही नहीं चाहिए, पूरे का एरिया, यानी इसको समझ लो कि एक रंग में डुबा के निकाल दोगे अगर बाल्टी में तो कितना रंग जाएगा, चारों तरफ से रंग जाएगा, तो वो हो जाता है हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ में जुड़ गया दो गो वृत्त, एक वृत्त नीचे वाला, एक वृत्त ऊपर वाला, समझ गए होंगे। अब आते हैं, देखिए यही तीन बात आपसे पूछा जाएगा, ये आयतन, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये तीन कहानी है। अब बढ़ते हम ठोस बेलन, ठोस तो हो गया, खोखला बेलन, आइए खोखला, तो खोखला बेलन का क्या कहानी है दोस्तों, खोखला बेलन में ध्यान देंगे। अब खोखला बेलन में क्या होगा, सिलेंडर बेलन यानी सिलेंडर, खोखला बेलन कैसा होगा जानते हैं, देख लीजिए, ये देखिए मैं बना रहा हूं खोखला बेलन, थोड़ा टेढ़ा हो जाता है ना, ही आइए अब समझ गए होंगे। खोखला बेलन, खोखला बेलन मतलब इधर से कुछ घुसाएंगे तो इधर तक निकल जाएगा, ऐसे खोखला बेलन। अब ये खोखला बेलन में भी तो हाइट वैसे ही खड़ा है, एकदम हाइट एच लिख लिया मैंने, त्रिज्या इसमें क्या होगी, त्रिज्या ये जान लीजिए भैया, एक तो त्रिज्या हो जाएगा अंदर तक स्मॉल आर, और एक हो जाएगा जो बाहर तक जाएगा तो ये बाहर तक वाला कैपिटल आर, नहीं बाहर तक जाएगा तो वो कैपिटल आर, ठीक है ना, दो त्रिज्याएं हो गई, एक अंदर एक बाहर। अब अगर इसका आयतन पूछता है, बेलन का आयतन, तो सुन लीजिए, बेलन का आयतन पूछता है, खोखला बेलन हो या ठोस बेलन हो, तो बेलन का जब आयतन कहा जाएगा तो अंदरे अंदरे आपको समझना है कि इसमें मात्रा कितनी रखी जा सकती है, है ना, जैसे ये मान लो कि पेंदा बंद कर दिए, इसमें पानी भरना है तो कितना आएगा, तो वो बेलन का आयतन हो जाएगा हमारा, तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एक वृत्त है इसमें भी, पेंदा तो वृत्त ही है, तो पाई आर स्क्वायर, ये छोटा वाला वृत्त लीजिए पाई आर स्क्वायर और एच से गुना कर दीजिए पाई आर स्क्वायर एच, ये हो जाएगा बेलन का आयतन। दोस्तों आप कहेंगे कि सर आप ठोस बेलन में भी तो यही बताए थे, हाँ यही बताए थे, और यही होगा पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन इसमें अगर कहता है खोखले बेलन के बनाने में लगे धातु का आयतन, यानी इसको बनाने में जो धातु लगा उसका आयतन, है ना, तो देखो खोखला बेलन है तो यहां बेलन लिख देते हैं, खोखला आप समझ जाइएगा, बेलन, बेलन बनाने में, बनाने में लगे लगे धातु का आयतन, बेलन बनाने में लगे धातु का आयतन क्या होगा जानते हैं, बेलन बनाने में लगे धातु का आयतन क्या होगा, धातु तो आपको यही न करने में लगा है, हैं? आपको यही सब न इसी में न धातु लगा है, बीच में तो खोखले है, होले है, उसमें थोड़े आपको लगा है, तो आपको क्या करना चाहिए कि ये जो है मात्रा धातु का ये कितना होगा, इसकी पूरी मात्रा कितनी होगी नीचे से ऊपर तक पूरा, तो ये हवा में थोड़े आपको धातु लग गया है तो खोखला है, तो अब समझ ले इसकी मात्रा निकालने के लिए पूरे बेलन का आयतन निकाल लेते हैं।
अब पूरा बेलन के आयतन में से अंदर वाला जो हवा है उसको घटा देते हैं, यानी ये अंदर वाला बेलन का आयतन घटा देते हैं, खोखला जो भाग है उसको घटा लेते हैं। तो आपको क्या करना होगा, बड़े बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। आयतन क्यों पाई आर स्क्वायर एच लिखते हैं आप जान गए होंगे, पाई आर स्क्वायर एच, इसमें से हम घटा देंगे अंदर वाला पाई आर स्क्वायर एच, खोखला बेलन, यानी बेलन का आयतन वो अंदर वाला जो है जितना पानी उसमें भरा था वो चीज मैंने घटा दिया। तो कितना धातु लगा इसको बनाने में ये बात हमें पता चल जा रहा है, बात है समझे, नीचे से ऊपर तक। अब एक बात बताइए, तो इसमें आप क्या कॉमन ले सकते हो, पाई और एच कॉमन ले सकते हो, बचा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाता है फार्मूला, ये फार्मूला हो जाता है। अच्छा, इसी फार्मूला को किताब में ऐसे लिखा हुआ रहेगा, पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और ये एच उधर से रहेगा। तो ये कन्फ्यूज मत होइएगा, हम पाई एच गुना किए, पाई और एच गुना है कि ना, पाई इतना और एच सब तो गुना में है, पाई एच और इतना सब गुना में है। आप इसको आगे भी लिख सकते हो ऐसे बना के, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो एक बार दोनों आर जोड़ के, एक बार दोनों आर घटा के, और फिर एच से गुना, ऐसे भी लिख सकते हो। तो आप यहाँ याद कर लो, पाई आज पाई एच इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका हो जाता है इस खोखले बेलन के बनाने में लगे धातु का आयतन। आया बात समझ में, अब आ जाइए। अब इसमें एक बात और, ये धातु का आयतन हो गया, अब आपसे पूछा जाए कि इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है ना। इतना को मैं मिटाता हूं, ठीक। इसमें आपसे पूछ दिया जाएगा कि इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आपको पता है वक्र पृष्ठ में ना केवल छतरी या पेंदा छोड़ा जाता है, बाकी सब जितना पेंट हो सके रंग सके उतना को रंग लीजिए। तो इसमें तो बाहरों से रंग आएगा, अंदरों से रंग आएगा। तब बाहर वाला पृष्ठीय क्षेत्रफल परिधि पूरा ले लेंगे, परिधि ऊंचाई गुना करेंगे, यानी 2 पाई आर एच, सुनिए सुनिए सुनिए, 2 पाई आर एच, परिधि 2 पाई आर और एच से गुना कर दिया, ये बाहर से हो गया, और अंदर भी इसमें इंक्लूड होगा 2 पाई आर, परिधि और इंटू एच, आर के जगह उस लास्ट में क्या लिया, छोटका आर लिया। अब 2 पाई एच कॉमन हो जाएगा, 2 पाई एच कॉमन हो जाएगा, ये वाला आर और वो वाला आर, ये वाला है ना, बस 2 पाई एच इंटू आर प्लस आर, ये हो जाता है आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब एक बात और समझ लो, अब इसमें अगर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बात किया जाए कि संपूर्ण, ये तो आपका वक्र पृष्ठ हो गया, आप चाहें तो इसको उतार सकते हैं, नोट कर सकते हैं। आइए मैं इस बात को यहां लिख देता हूं, ठीक ना, इस बात को 2 पाई h इंटू, ये जो आ गया हमारा 2 पाई h इंटू आर प्लस आर आया ना, ये आपका वक्र पृष्ठ एरिया है। अब अगर आप चाहो तो संपूर्ण पृष्ठ का एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बताइए, तो ये वक्र पृष्ठ वाला में यानी 2 पाई एच इंटू आर प्लस आर में क्या ऐड होगा जानते हैं, नीचे वाला पेंदा और ऊपर वाला पेंदा, ये पूरा जुड़ जाएगा। लेकिन इसमें कितना है, ये बीच में तो होल है, ये थोड़े रंग आएगा, मतलब समझ लो कितना आप रंग सकते हो, पूरा रंगोगे तो हवा में थोड़े रंग दोगे, तो आप जो रंगोगे इसी सतह को रंगोगे नहीं, तो ई एरिया जैसे एक वृत्ताकार पार्क रहता था उसके अंदर एक मैदान रहता था, मान लो ये जो सड़क रहता था इसका एरिया निकालते थे, तो कैसे करते थे, यहाँ से मान लो बड़ा आर हो गया और यहाँ तक हो गया छोटा आर, नहीं तो क्या करते थे कि पाई आर स्क्वायर यानी बड़का वृत्त के एरिया में से पाई आर स्क्वायर छोटका वृत्त का एरिया घटा लेते थे। इतना बात आपको इंक्लूड करना होगा, लेकिन जैसा इसमें नीचे होगा वैसा ही ऊपर होगा, तो इसको दो से गुना भी कर लो, यानी इसमें आपको ऐड करना है क्या जानते हैं, हम इसको यहाँ से लिख देते हैं 2 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर,
यहाँ आर लास्ट में छोटका, इतना ऐड करना होगा। यानी आप ये कह सकते हैं कि भैया ये टू पाई एच तो ठीक है, आर प्लस आर भी ठीक है, इसमें हमने क्या ऐड किया है, इसमें से पाई कॉमन निकाल दे तो टू पाई हो गया और हमारा बच टू पाई। देखो पाई पाई यहाँ भी, तो पाई भी निकल गया, टू तो निकला हुआ पहले से, क्योंकि ये पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर जो है एक नीचे एक ऊपर, तो दो से गुना किया, क्या है कि दो ऐसा है। अब देखो अब क्या होगा, बच गया हमारा आर स्क्वायर और माइनस क्या आर स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाता है हमारा, ये हमारा क्या हो जाता है, ये हो जाता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल टू पाई एच इंटू आर प्लस आर, ये वक्र पृष्ठ वाला, और ये पेंदा छतरी दो गो और जुड़ गया, तो ये हो गया आपका मिलाकर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि जब आप इसे समझे होंगे आसानी से, तो आगे आप इस फॉर्मूला को खुद से एक बार जरूर लिखिएगा ऐसे फिगर को बनाकर, ठीक है ना। हम आते हैं क्वेश्चन पर, ताकि अब क्या होगा कि एक बार जब आप खुद से कर लोगे ना, तो ये हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। हम आते हैं क्वेश्चन पर, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने कहता है, किसी वृत्ताकार बेलन के आधार तल की परिधि 6 पाई सेंटीमीटर है, उस बेलन की ऊंचाई आधार तल के व्यास के बराबर है, उस बेलन में कितना पानी घन सेंटीमीटर में भरा जा सकता है। सवाल कहता है किसी वृत्ताकार बेलन के आधार तल की परिधि 6 पाई है, कोई बेलन है, बेलन है ठीक है ना, और इसमें क्या कहता है, इसकी परिधि जो है ना, इसकी परिधि वो है कितनी जानते हैं, 6 पाई है। तो परिधि तो भैया इसका 2 पाई आर होगा, वृत्त ही है इसमें, 2 पाई आर होगा, और वो बोला जा रहा है 6 पाई, तो पाई पाई कट गया, 2 से 6 तीन बार में कट गया, तो आर की वैल्यू 3 हो गई। अब हमें पता चल गया कि इस बेलन में त्रिज्या 3 है, त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है ना, 6 पाई सेंटीमीटर था इसलिए 3 सेंटीमीटर आ गया। अब एक बात और समझिए, कहता है उस बेलन की ऊंचाई आधार तल के व्यास के बराबर है, तो ऊंचाई जो होगा इस आधार तल के व्यास के बराबर, तो जब इसकी त्रिज्या 3 है तो व्यास हो जाएगा कितना, 6, ये त्रिज्या आपका 3 निकल के आया है, त्रिज्या 3 है तो व्यास हो जाएगा भाई साहब कितना, 6 सेंटीमीटर, यानी कि अब जो व्यास होगा उसके बराबर ऊंचाई होगा, यानी ऊंचाई भी हो गया 6 सेंटीमीटर। तब आपसे पूछता है उस बेलन में कितना पानी घन सेंटीमीटर में भरा जा सकता है, यानी बेलन का आयतन पूछा है, तो पाई आर स्क्वायर एच ना, तो पाई तो ठीक है, क्योंकि देखो फार्मूला या सॉरी ऑप्शन में सब जगह पाई है, तो पाई का मान मत बैठाइए। आर स्क्वायर का मतलब ये 3 का स्क्वायर 9, और एच के जगह आप 6 रखोगे, 9 छक्के 54, ये हो जाएगा पाई, अब वर्ग सेंटीमीटर ना, सेंटीमीटर क्यों कहिएगा, घन सेंटीमीटर, आयतन घन सेंटीमीटर में, तो आपका हो जाएगा 54 पाई, ऑप्शन ए, ठीक ना। आइए अगला सवाल आ जाते हैं, तीसरे सवाल पर, यानी दूसरा कहता है एक आयताकार लोहे के चादर 14 सेंटीमीटर लंबी तथा 11 सेंटीमीटर चौड़ी है, इसको इस तरह से मोड़ा जाता है कि लंबाई के दोनों समानांतर भुजाएं एक दूसरे से जुड़ जाए, इस तरह की बनी आपत्ति का आयतन घन सेंटीमीटर में क्या होगा। आपत्ति यहां कहा गया है उसी बेलन को, कहता है सुनिए, एक आयताकार लोहे के चादर, एक आयताकार ये समझ लीजिए आपके पास चादर है, अब इस आयताकार लोहे के चादर 14 सेंटीमीटर लंबी है, इसकी लंबाई है भैया 14 सेंटीमीटर, और कहता है लंबाई और 11 सेंटीमीटर चौड़ाई है, लीजिए 11 सेंटीमीटर इसका क्या है, चौड़ाई है। अब इसको इस तरह से मोड़ा जाता है कि लंबाई के दोनों समानांतर भुजाएं एक दूसरे से जुड़ जाएं, ये लंबाई के दोनों समानांतर भुजाएं एक दूसरे से जुड़ जाएं, यानी इसको क्या करना है, इसको जोड़ देना है। तो जब लंबाई के दोनों समानांतर भुजाएं एक दूसरे से कैसे जुड़ेंगे, लंबाई के समानांतर तो यही दोनों भुजा है, और इस दोनों भुजा को जोड़ना है, यानी इसको ऐसे फोल्ड करना है, तो फोल्ड करेंगे ना, तब फोल्ड करेंगे तो हमारा जो बेलन बन जाएगा वो बेलन, एक मिनट देखिए, वो बेलन कुछ इस टाइप का बन जाएगा, और ऐसा बन जाएगा तो आप बताइए ये जो ऐसे आप मोड़ के ले गए हैं तो वो क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा पूरा घेरा, यही ना, मान लो ऐसे मोड़ के ले गए
तो ये वाला जितना मुड़ के जाएगा यही तो परिधि का काम करेगा इसे मुड़ने के बाद, तो ये घेरा बन जाएगा है ना, ये परिधि हो जाएगा, ये परिधि। और ये जो 14 है चूंकि ऐसे मुड़ गया है और बेलन जब हम खड़ा कर लेंगे तो ये 14 जो हो जाएगा, ये 14 अभी भी इसकी हाइट रहेगा, 14 क्या रहेगा इस बेलन की, क्या रहेगा हाइट रहेगा। अब बताइए आप कि यहां पर बेलन की परिधि 11 सेंटीमीटर हो जाएगा, और बेलन की परिधि क्या होता है, आप ये वृत्त है ना, तो वृत्त की परिधि आर गुना 44/7 होता है। कैसे भाई यार, 2πr को हम सोल्व कर दिए, 22 ले लिए, 22 दूना 44 बट्टा वाला 7, 44/7, ये परिधि हो गया कितना 11, 11 चौके 44, तो r का मान कितना हो गया 7 ऊपर और 4 आ गया नीचे, त्रिज्या हो गया 7/4। अब आपको ऊंचाई भी पता है 14 और त्रिज्या भी पता है, तो आयतन तो निकाल ही सकते हैं। आयतन के लिए हम पाई आर स्क्वायर एच लगाएंगे, तो पाई का मान 22/7 रख लेंगे क्योंकि पाई के रूप में नहीं है ऑप्शन, और आर स्क्वायर के जगह 7/4 और फिर 7/4 लिख लेते हैं, 49/16 हो जाता, और गुना कर देते हैं एच से, एच यानी कि 14 से। दोस्तों हम 7 से 7 काट सकते हैं, 4 का आधा 2 लिख सकते हैं, तो 22 का आधा 11 लिख सकते हैं, हम 2 से 14 को 7 बार में काट सकते हैं। अब हमारा ऊपर 49 × 11 हो गया, यानी 11 × 49 और नीचे में हमारा हो जाता है 4। अब देखो 9, 9, 4, 13 के 3 हासिल 1, 9, 4, 13 के 3 हासिल 1, 4, 1, 5 और नीचे में 4, 4 से अगर भाग लगा देते हैं तो 4 × 1 = 4 शेष बचा 1, 1/3 = 13, तो 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 12, तो यही 13 दशम, यही आ जाएगा 134.75, यही वाला तो है हमारा आंसर हो गया, ठीक ना। आइए अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर, बहुत ही अच्छा सवाल था ये, चौथा आ जाइए, सॉरी यहां से तीसरा वहां से चौथा लग रहा है, ठीक ना। कहता है पानी से भरे दो बेलनाकार बर्तन के आधार की त्रिज्याएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है, और इनकी ऊंचाई क्रमशः 35 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है। अच्छा, तब आगे इसमें एक और लाइन होगा, इन बर्तन के पानी को 15 सेंटीमीटर नए बेलनाकार बर्तन में उलट दिया जाए तो बर्तन पूरा भर जाता है, इस बर्तन के आधार की त्रिज्या कितनी होगी। क्वेश्चन सेट करने में दिक्कत हो गया है, यहां ध्यान दीजिए, आधा क्वेश्चन इधर है आधा क्वेश्चन उधर है। कहता है पानी से भरे दो बेलनाकार बर्तन के आधार की त्रिज्याएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर। एक काम करते हैं, हम एक ही पेज पर इसको लेकर आते हैं, ठीक है, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। की आवाज देके हमें तुम बुलाओ, मोहब्बत में इतना हमको सताओ, आवाज देके। ये आ जाइए क्वेश्चन अपने सामने पूरा, पानी से भरे दो बेलनाकार, इस नंबर का कोई वैल्यू नहीं, पानी से भरे दो बेलनाकार बर्तन के आधार की त्रिज्याएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है, और इनकी ऊंचाई क्रमशः 35 और 15 सेंटीमीटर है। इन बर्तन के पानी को 15 सेंटीमीटर ऊंचे नए बेलनाकार बर्तन में उलट दिए जाने पर यह बर्तन पूरा भर जाता है, इस बर्तन के आधार की त्रिज्या क्या है। कहता है दूगो पहले जो बेलन है ना उसकी त्रिज्या और ऊंचाई आपको दे दिया है, बेलनाकार बर्तन है उसमें पानी भरा हुआ है, और दोनों के उठाकर और तीसरा में लेके पटक दिया, और तीसरा का जो है यहां पर दिया हुआ है बर्तन के पानी से 15 सेंटीमीटर ऊंचे नए बेलनाकार बर्तन में उलट दिया गया, उसकी ऊंचाई 15 होगी नयका वाला बेलन के, तो उसकी त्रिज्या पूछा है किसका, नयका का। अब आ जाइए, तो यही ना बात है कि पहला दोनों जो है ना, पहला दोनों उसका तो आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, फिर पाई आर स्क्वायर एच होगा कि नहीं, आ बराबर होगा पाई अब बढ़ का आर स्क्वायर आ एच के बराबर, ठीक ना। तो अब एक बात बताओ, देखो हम ऐसे लिख दिए हैं, आप एच वन आर वन आर टू एच टू ये लिखते दिमाग खराब होता, एक काम करो पाई तो पक्का कट जाना है, पाई क्यों कट जाना है क्योंकि पाई तो सब में समान रहता है, हाँ त्रिज्या ऊंचाई अलग होगा इसलिए नहीं कटेगा, तो पाई इधर कॉमन लेंगे तो पाई निकल गया, पाई से ये पाई कट गया, ठीक ना। आर स्क्वायर बचा, तो पहला वाला
त्रिज्या क्रमशः 15, तो यहाँ 15 के स्क्वायर रख देते हैं, तो 15 गुना 15 हो गया। और एच, पहला वाला का एच कितना 35, पहला वाला का एच 35, अब प्लस आर स्क्वायर, तो 10 गुना 10, दूसरा का 10 गुना 10, आ एच से गुना कर दो तो इसका 15, तो चलो 15 भी ठीक बराबर। ये आर स्क्वायर, बड़का का आर स्क्वायर नहीं पता, आर स्क्वायर आ एच कितना 15, इसकी दूसरा जो बेलन है सॉरी लास्ट वाला बेलन उसकी ऊंचाई 15, 15 इधर भी 15 उधर भी, 15 कॉमन निकाल लेते हैं, तो 15 जैसे यहाँ प्लस है देखिए ना, तो 15 इसमें से कॉमन निकाल लेंगे तो 15 तो कॉमन निकल गया, बच गया इसमें 15 गुने 35, इसमें 10 गुने 10, ये 15 इस 15 से कट जाएगा। अब आपका 15 गुने 35 गुना कर दीजिए, 15 5 75 के 5 हासिल 7, 15 3 45 और 7 हुआ भैया 52, अब प्लस 10 दहाई हुआ 100, अब बराबर हुआ आर स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर बराबर 525 100 625, आर बराबर हो गया 25, है ना, वर्गमूल बन गया, आर का मान कितना 25, यानी हमारा आंसर ऑप्शन डी, ठीक ना। आ जाइए ना अगला सवाल देख लेते हैं, मजा आ जाएगा। पचवा यानी चौथा, यहां इन बर्तन के पानी, सॉरी तो हो चुका है भाई, ये हो चुका है। कहता है यदि किसी बेलनाकार आकृति का आयतन भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ए तथा इसकी त्रिज्या आर है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कहता है सुनो सुनो जरा, कहता है यदि किसी बेलनाकार आकृति का आयतन भी, तो आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है आयतन, और उसका आयतन को बोला है भी। पृष्ठीय क्षेत्रफल ए, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा तो वो होगा 2πRh, ठीक ना, और वो कहता है कि a है, उसके बाद कहता है उसकी त्रिज्या r है, यानी त्रिज्या को हमने क्या कहा है r कहा है। एक काम करो, एक काम करो, और आपसे a भी r के रूप में पूछा, a भी r के रूप में, तो इधर से कुछ काटना फाटना होगा तो काट सकते हैं, अगर मान लो कि इन दोनों में भाग लगा देते हैं, इसको अभी बंद रखिए ठीक ना, भाग लगा देते हैं तो क्या क्या कट जाएगा बताइए, इस पाई से पाई काट काट देंगे, एच से एच काट देंगे, आर से एक आर कट जाएगा, एक आर ऊपर बच जाएगा, हमारा जो निकल के आया आर बाई टू निकल के आया, अब बराबर भी बट्टा ए निकल के आया। अब स्मॉल आर के जगह बड़का आर रख सकते हैं, यहाँ बड़का आर रख दिया, बाई टू रख दिया, बराबर भी ए रख दिया, तो क्या इस तरह का कुछ हमारा दिया हुआ है, टू भी, हाँ है टू भी हो गया, ये क्रॉस गुना टू भी आर ए या ए आर हो गया ना, कहाँ मिल गया पता है आपको, यहाँ मिल गया ऑप्शन बी में, है ना। आ जा अगला सवाल पर आ जाइए, आइए। एक बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 264 वर्ग मीटर है और इसका आयतन 924 घन मीटर है, इसके व्यास और ऊंचाई में क्या अनुपात होगा। इसके व्यास यानी त्रिज्या का दुगना यानी 2r और ऊंचाई में क्या अनुपात होगा यह पूछा है। व्यास होता है 2r, त्रिज्या का दुगना। सुनो एक बात, यहां पर एक बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 264, तो 2πRh होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और वो दिया हुआ है 264 उसके बाद, और इसका आयतन 924, तो आयतन बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है और वो दिया हुआ है 924, तो ठीक बात है। इसके व्यास और ऊंचाई में अनुपात, अनुपात निकालना है ना, तो इसको बट्टा कर ना दीजिए यानी काट ना दीजिए, तो काट दीजिएगा तो सीधा सा बात बताइए, पाई पाई काटिए लीजिएगा, एगो आर कटेगा ऊपर का एक आर कटेगा, एच से एच काटिए दीजिएगा, ऊपर दो बचता है, दो से इसको काटिएगा 132 बार में और 132 से इसको काट दीजिएगा 7 बार में, तो ऊपर में इधर कुछ बचा है का, नहीं बचा है, तो एक नीचे बचा है आर, एक बट्टा आर, और ऊपर कुछ नहीं बचा है 1/7, यानी कि आर की वैल्यू कितना हो गई 7, त्रिज्या 7 हो गया, त्रिज्या 7, व्यास यहाँ हो जाएगा 7 × 2 = 14, और ये देखो एच, एच कहाँ से निकाले, ऊपर वाला से निकाल लेते हैं 2πRh से, ये 2πRh बराबर कितना था हमारा 264 था ना, तो अब बताइए एक आर का मान 7 है, यहाँ देखिए 2 × 22/7 आर का मान 7 इंटू एच बराबर कितना 264, 7 7 काट दिया और
11 से कटा तो ये दो बार में, 11 से कटा तो ये 24 बार में, अब दो दूना चार से 24 को काटे 6 बार में, तो इधर एच का वैल्यू कितना आ गया 6, एच की वैल्यू कितनी 6, 6 हो गया। आ इसको काट देंगे 14 के आधा 7 और 6 के आधा 3, 7:3 हमारा आंसर कहाँ है, यहाँ है ऑप्शन डी में 7:3। आपसे पहले पूछा है इसके ब्यास, तो ब्यास यही 2R और तब ऊंचाई, तो ऊंचाई बाद में लिखे 7:3। आ एग्जाम में हड़बड़ा के इसको ना मार दीजिएगा 3:7 को, ठीक ना, हड़बड़ाइएगा नहीं। आइए अगला सवाल, कहता है कि एक बेलनाकार, एक बेलन के अर्धव्यास तथा ऊंचाई का अनुपात 5:7 है तथा इसका आयतन 4400 घन सेंटीमीटर है, इसका अर्धव्यास कितना होगा। ए भाई, एक बेलन के अर्धव्यास, अर्धव्यास माने त्रिज्या रे भाई, त्रिज्या, त्रिज्या और ऊंचाई, इनका रेशियो है 5:7 का, रेशियो में है तो एक सटा दो झटाक से, और इसका आयतन 4400 घन सेंटीमीटर, इसका अर्धव्यास कितना होगा। ये आयतन दिया है ना, तो आयतन के फॉर्मूला पर रगड़ देंगे, आयतन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, आयतन दिया हुआ है 4400, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर तब 5 के स्क्वायर यहां हो जाएगा 25x² इंटू एच यानी 7x बराबर हो गया भैया 4400, 7 से 7 कट गयो, 22 दूना 4400, 25 8 200, एक्स गुना एक्स स्क्वायर हुआ x³ बराबर 8, तो x का मान कितना 2। अब x का मान जब 2 है, अर्धव्यास पूछा है यही, तो 5 दूना 10 सेंटीमीटर अगर सेंटीमीटर में है तो, ठीक ना, चलिए हो गया 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी ठीक है। आ जाइए अगला सवाल पर आते हैं, अगला कहता है किसी लंब वृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या दुगनी करने तथा ऊंचाई आधी करने पर नए आयतन तथा पहले वाले आयतन का अनुपात क्या होगा। एक बात ध्यान देना, अगर किसी बेलन के केवल त्रिज्या दुगना कर रहा है ना, त्रिज्या दुगना कर रहा है, तो समझ लो एक चीज, ये देखो 2πRh क्या होता है, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, और एक बात आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो जो घटना, अगर मान लो त्रिज्या दुगना कर रहे हो, तो इसमें देखो एक ही बार आर है, 2π तो कॉमन है, ये पाई तो सॉरी कॉन्स्टेंट है, 2π तो सबके लिए रहेगा, कोई भी बेलन आ जाए नहीं, 2πRh वक्र पृष्ठ के लिए, πR²h पाई तो उसमें भी रहेगा, बड़ा बेलन हो छोटा बेलन हो किसी में भी, लेकिन RH और यहां R²h है। अगर आप त्रिज्या दुगना करते हैं तो केवल ये दुगना बढ़ेगा, यार है 2R होगा यानी दुगना हुआ। अगर त्रिज्या दुगना किए ऊंचाई को भी 3 गुना किए तो 2 गुना 3 यार गुना एच है ना, तो 2 गुना 3 यानी वक्र पृष्ठ जो हो जाएगा 6 गुना हो जाएगा। हालांकि वहां समझिए आयतन में क्या होगा, अगर त्रिज्या दुगना किए तो 2 के स्क्वायर कितना होता है, 4 गुना आयतन हो जाएगा, और अगर ऊंचाई भी 3 गुना किए हैं तो 3 से और गुना कर दीजिए कि 4 गुना 3 यानी 12 गुना हो जाएगा आयतन। बात है समझ में, क्योंकि आयतन में आर स्क्वायर होता है, तो त्रिज्या अगर आप 3 गुना करिएगा तो केवल आयतन कितना गुना बढ़ेगा, तो 3 के स्क्वायर 9 गुना बढ़ेगा। बात है समझ में, अगर कहेगा कि त्रिज्या को तो 3 गुना हाइट को 2 गुना कर दिया जाए, तब तो त्रिज्या के 3 गुना, तो त्रिज्या के जगह 3 लिखिए, 3 के स्क्वायर 9 गुना और एच के जगह 2 ही, तो 9 दूना 18 गुना हो जाएगा। अरे भाई ये बात है, इतना बात समझ गए, तो अब लीजिए अब ओरिजिनल बात पर आते हैं। देखिए इस सवाल पर, किसी लंब वृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या दुगनी करने तथा ऊंचाई को आधी करने पर नए आयतन तथा पहले वाले आयतन का अनुपात क्या होगा। नया आयतन, नया पुराना के बारे में पूछा है, तब पुराना आयतन अगर 1 है तो आप जानते हैं इधर क्या हो जाएगा, कहता है किसी लंब वृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या दुगनी, तो नया आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर त्रिज्या दुगना करिएगा तो आयतन में, तो देखिए पाई आर स्क्वायर एच होता है, त्रिज्या पर आर स्क्वायर होता है, त्रिज्या दुगना करना है तो 2 का स्क्वायर हुआ, ठीक ना, और ऊंचाई आधा करना है तो ऊंचाई को आधा करके गुना करिए, नए का वाला हो गया। अब ये 4 का आधा, 2 का स्क्वायर 4, 4 का आधा कितना 2,
और उधर वाला जीव का त्यों, यानी दो अनुपात एक हो जाएगा वो कहां है, ऑप्शन डी में है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको आसानी से समझ में आया होगा। अब मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।